घर के चप्पल है सब यूज कर दिया आपने। तो हेलमेट के अंदर का जो थर्माकोल का वो होता है ना। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे भी बड़े बड़े होते हैं। इसमें अभी बनाना बनाते बनाते कुछ आइडिया नया आइडिया वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी और आप सभी को शेयर करूंगी। पानी ऊपर से गिरेगा यहाँ नीचे क्योंकि टूटे हुए एक भी चीज को आप नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरा क्रिएशन नेट लगाने के बाद उसमें घास की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती थी। शूज के ऊपर ही मैंने सीमेंट से कवर करके टूटे हुए चेयर जी। तो सर आप मेरे गार्डन में आए हैं तो मैं आपको अपने गार्डन का फ्रेश ये जो है अच्छा अमरूद अमरूद खिलाने वाली हूँ। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर अमरूद लग रहे हैं। इनकी खुशबू लीजिए ना। बिल्कुल देखिए ये देखिए ये तो, मुझे लग रहा है कि ये आप ही के लिए शायद अच्छा। इनको हम आपको खिलाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब मेरे ही भाग्य में था ये अमरूद खाना। बहुत बड़े बड़े अमरूद है, बहुत बड़े बड़े। ये बारहमासी है और इसमें ये तो साइज बहुत छोटा है। इतने बड़े बड़े शुरुआत में इतने बड़े बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ऑर्गेनिक। इसमें मैं कोई भी केमिकल यूज नहीं करती, सिर्फ अपना किचन वेस्ट और गोबर की बिल्कुल। अब बाकी जो है रहने दीजिए, एक साथ मत तोड़िए। हाँ, पौधे की चीज वो देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए तोड़ने में भी थोड़ा मेरा मन वो हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आइए सर, ये मेरा बैकयार्ड गार्डन है। यहाँ पर भी मेरे आपको सब ये वेस्ट चीजों में ही प्लांट लगे हुए दिखेंगे। ये टायर है क्या? जी ये टायर है, एक टायर के दो प्लांटर बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। आधा आधा मतलब हाफ हाफ। तो इसमें आप इस तरह के जो ये है इसमें डायरेक्टली जो है सीधे मिट्टी डाल करके और उसी में लगा दिया आपने प्लांट डायरेक्टली लगा। टायर का भी बहुत खूबसूरत यूज आपने किया है। ये अपने आप में ही इतना खूबसूरत लग रहा है कि बिल्कुल प्लांट टायर। और ये शायद गैस वाले पाइप होंगे ना? कुछ गैस वाले पाइप हैं, कुछ जो पानी वाले नॉर्मल वो पाइप वो वाले पाइप भी है जी। और कुछ सब्जियां वगैरह भी लगा दी मुझे लग रहा है। टाइम मैंने किया है ट्राई। सब किचन वेस्ट का ही यूज किया है। किचन वेस्ट है, इसके नीचे पत्तियां हैं। अच्छा अच्छा, मुझे दिख भी रहा है ये प्याज के छिलके वगैरह मुझे दिख रहे हैं काफी कुछ। मैं यूज करती हूँ प्याज के छिलके ना, काफी अच्छी मतलब से वो रहता है ऐसा फायदा। बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है उसमें होते हैं। और ये पुदीना बैगन सब कुछ मैंने कटिंग से लगाई रखा है। कटिंग से लगाई, कटिंग से ही लगे हुए। इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ना इसकी। ये तो मार्केट से जैसे कोई पुदीना लेकर के आए तो उसी की कटिंग भी लगा दे तो हो जाती है। उसी की कटिंग लगा दी है मैंने। ठीक। और ये मेरे बैगन में फ्लावरिंग भी हो रही है देखिए। ठीक। और ये कोलियस भी जो है काफी खूबसूरत लग रहा है। मेरा फेवरेट प्लांट है क्योंकि जब हमारे मतलब गार्डन में नहीं होते फ्लावर्स वगैरह तो ये उनकी कमी पूरी कर देते हैं। अच्छा, ये मिर्च के पौधे। अच्छा, मिर्च का भी आपने बीज जमा दिया। ग्रो बैग भी मेरे DIY ही है मैंने। अच्छा, सब घर में तैयार किया आपने? खुद से तैयार किए। वाह क्या बात है। और इधर भी मैं देख रहा हूँ आपने काफी सारे टिन में भी जो है कर रखा है। ये भी मेरे हाँ, ये मैंने सब अपने चैनल में मैंने इनके वीडियोस। तो इसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं? नहीं सर, मैंने ना इसमें पेंट किया हुआ है अंदर से भी जी, अंदर बाहर से किया। अच्छा, अच्छा। और ये इसको स्टैंड करने के लिए मैंने ये इस तरह के सीमेंट के बनाए। हाँ जी हाँ, ताकि ये जमीन से एकदम चिपके ना रहे तो जंग वगैरह। और ये तो बहुत कम, ये तो 20-20 रुपए में जो हमें मिल जाते हैं इस तरह के टिन। तो इसी में केवल पेंट किया और इसी के यूज करके आपने लगा दिया? बिल्कुल नहीं, मुझे ये मैंने काफी बनाए शुरुआत में तो अभी इनमें मेरे इतने अच्छे गुड़हल चल रही है। ठीक। इधर तो मैं देख रहा हूँ कि आपने टायरों का भी बहुत ज्यादा यूज किया है। ये टायरों का भी यूज किया, ये मैंने खुद से मेरे DIY। तो ये टायर इतने बड़े बड़े कहाँ से मिल पाते हैं आपको? ये मेरे परिचित थे, उनकी गाड़ियाँ थी तो पुराने वेस्ट जो निकले थे तो मैंने उनसे ले लिए। और आम भी मैं देख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? बहुत नहीं, इसमें 2-3 बार आ चुका है। अच्छा, 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ, मतलब ये पौधा भी फिर 3 साल पुराना होगा। हाँ, इसको हो गए 3-4 साल से ज्यादा। अच्छा, हो चुके हैं। तो पहले जमीन में लगा था। हाँ जी, जमीन में लगा था। अच्छा, बाद में आपने शिफ्ट किया? मैंने इसमें शिफ्ट किया यहाँ। तो अभी मैं इस बार लेने वाली हूँ इनकी फ्रूटिंग क्योंकि अभी तक मैंने इसमें रखा नहीं था। छोटा प्लांट है करके अभी थोड़ा ग्रोथ अच्छी हुई है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, प्लांट का शेप भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत आया था तो मैंने इसको तोड़ दिया था, मैंने रखा नहीं था। और ये कैसे बनाया आपने? यहाँ मुझे खूबसूरत एरिया दिखाई दे रहा है। एक मेरा एलोकेरिया का प्लांट था, बहुत बड़ा हो चुका था। अच्छा अच्छा, ये उसके चारों तरफ के जो ब्रांच निकलते हैं पत्ते, ये इतना एरिया ना उसका ऊपर का टिप होता है जो उतना हिस्सा है। तो मैंने काफी टाइम से मेरे पास रखा था, सूख गया था
मैंने कहा इसको ऐसे वेस्ट नहीं जाना है, इसको कलर वगैरह करके। ये तो बहुत मजबूत भी बन गया। हाँ, मैंने सीमेंट की मेरे अच्छा, नीचे भी अंदर हाँ, भी आपने सीमेंट डाल रखा है। हाँ, ये देखिए, ठीक ठीक ठीक, ये प्लांटर ऊपर अलग से रखा है पॉलिथीन में, और नीचे सीमेंट से आपने फिक्स कर दिया। इतनी जगह छोड़ी जैसे कभी हम इसमें ऐसे, ये तो काफी भारी भरकम भी और हवा से भी इधर उधर नहीं होते। ये मेरा टूटी हुई पुरानी वेस्ट बाल्टी थी, उसको मैंने सीमेंट से कवर कर दिया। मतलब पुरानी टूटी फूटी चीजों का ही यूज करना है मैंने अपने उसमें, ये नहीं नई चीज ला करके तो कोई भी उसको कर देगा ना। तो ये तो मैं काफी ज्यादा एरिया पीछे पीछे तक भी पूरा मैं देख ही रहा हूँ जी, इतना अच्छा एरिया आपने हर जगह कवर किया, तो इतना टाइम कैसे मिल पाता है आपको तो ये सारा करने का? सर ऐसा है ना कि अगर शौक है तो निकालना पड़ता है टाइम, कभी भी कर लेते जी। हाँ, बस जब भी टाइम मिला तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसी के मतलब इसी कामों के बीच में लगी रहूं। अगर अंदर का मुझे मतलब किचन का काम तो या कोई नहीं, थकान वगैरह नहीं होती कभी भी? नहीं नहीं, सर थकान का तो ऐसा है कि अगर मैं थकी हुई हूँ इनके बीच अगर आ जाऊँ तो मैं अपनी थकान भूल जाती हूँ। थकान एक तो भूल भी जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कि घर वाले आपको पागल कहते हो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर जो गार्जियन लोग हैं उनको एक पागल का टाइटल दे दिया जाता है। मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, कोई मुझे पागल कहे या कुछ कहे, लेकिन अब ये शौक तो था शुरू से। बहुत अच्छा लगा, आपने तो पूरी गार्डनिंग मुझे दिखा दी, और सच कहूं तो ये तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा मैंने देखा, वीडियो में तो बहुत कम ही कवर हुआ है। जी जी, बहुत सुंदर, एक एक चीज के पीछे बहुत मेहनत भी है आपकी, लगन भी है जो कि झलक रही है आपकी पूरी यहाँ पर मेहनत। तो आते हैं कई लोग जैसे बहुत तारीफ करते हैं मेरी, तो मुझे अच्छा लगता है जो तारीफ मतलब लोग करते हैं ना, तो उससे और मुझे मोटिवेशन मतलब मैं अंदर से और एनर्जी आती है कि हाँ मुझे और कुछ करना है और नया करना है, तो बस यही है। बिल्कुल, तारीफ है काबिल हर एक चीज है, और मुझे अच्छा लगा कि आप एक चैनल भी चलाते हैं और उसके थ्रू ये सारी चीजें आप बताते हैं कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्चुअली होता ही है ना कि बहुत सारी महिलाएं खाली होते हैं, सोचते हैं क्या करे क्या करे, और अक्सर ये गाँव में हम देखते हैं कहीं भी कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ ये तो दिन रात हमेशा इसी में ही लगी रहती है, इन्हीं के साथ बातें। अगर बुरा भी करना हो जी, मतलब किसी को बुराई भी करनी हो तो इन्हीं प्लांट के साथ। हाँ, तो चीजें जो है बाहर नहीं जाती, नहीं, नहीं। और क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी बनी रहती है। शुरुआत में सर ऐसा होता था ना कि जैसे मैं लोगों से ज्यादा कनेक्ट, मतलब आप जैसे कहा आपने अभी कि इधर की मतलब बात उधर करने लोग गप्पे मारते थे, तो मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब मैं कहीं से किसी से भी नहीं जाना, कहीं ना कुछ करना, मैं अपने इनमें लगे रहती, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। तो लोग मुझे कहते थे पता नहीं क्यों नहीं अंदर मतलब बाहर आती है, हमारे साथ नहीं बैठती उठती, लोग कुछ कर मतलब बहुत मेरे से वो रहते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा मेरा काम, तो वही लोग जो पहले मेरी बुराई करते थे, अब वो लोग मुझे मतलब मेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करने लगे एक दूसरे से कि नहीं। और आप तो आप जो है आपका चैनल मैं हमेशा देखता भी हूँ, तो बहुत सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी दिखाई देती है, तो उसी के थ्रू मैं आपके घर पहुंचा हूं। जैसे वो मैंने खुद से अपनी तारीफ नहीं की, लोगों ने मेरा काम देखा, तो मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं, उन्होंने खुद देखा कि हाँ ये क्यों नहीं बाहर आती है, क्यों नहीं लोगों के साथ इतना उठती बैठती है। तो जब उन्होंने मेरा काम देखा, तो फिर वही लोग मेरे बारे में बोलने लगे कि नहीं आप इतना मेहनत करते हो ये करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ बैठूं या उधर बैठूं उधर जाऊं। हाँ, अच्छे बुरे में जाना भी पड़ता है और उठना बैठना तो पड़ता के है। साथ मिलना जुलना वो भी जरूरी है, और ये चीजें भी जरूरी, लेकिन वेस्ट बिल्कुल नहीं, मतलब खाली चीजें जो है हमारी वेस्ट है, सब चीजों का यूज हो रहा है। हाँ, और गार्डनिंग भी हो रही है, तो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मैम आपने ये बहुत बढ़िया जो है आपने दिखाया, बहुत पॉजिटिविटी, मतलब जैसे कुछ हमें दुख तकलीफ हो, बीमार भी अगर मैं हो जाऊँ, तो मुझे यही देख करके ये जो है मुझे नहीं, एक एनर्जी आ जाती है। हाँ, एनर्जी आती है, मुझे ठीक होना है, मेरे प्लांट्स नहीं तो इनको कौन देखेगा, तो ये सोच करके हम अपनी बीमारी भी भूल जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, तो मैं इनके बीच कब मेरा समय बीतता है, मुझे लोग कहते हैं कि दिन बड़े हो गए, मैं कहती हूँ मेरे लिए तो 24 घंटे भी कम है। सच सच, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपकी ये गार्डनिंग देख करके। सर वो तो आपकी मतलब देखने वाले की वो है कि लोग किस तरह से देखते हैं, जो देखने वाला शौकीन होगा तो वो उसको लगेगा कि हाँ मेहनत तो दिख रही है, लेकिन मुझे कोई मेहनत तारीफ करे ना करे, मैं अपना काम मैं मतलब मुझे लगे रहना अच्छा लगता है कि मैं करती रहूं। तारीफ करते हैं लोग तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ एनर्जी मिल जाती है थोड़ी, और बाकी मुझे अपना तो करना है ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतनी दूर से यहाँ मेरे घर आए और मेरे गार्डन को देखा। तो मेरी तो पूरी थकान मिट गई है, और आपका भी धन्यवाद खास तौर से कि जो है आपने एंटर करने दिया अपने घर में, जो है इनवाइट भी किया जब मैंने आपसे पूछा, तो इसके लिए मैं भी जो है आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।